मेरे सर पे दो प्लैनेट कैसे? बेटा अब हम अर्थ पे नहीं रह सकते हैं, तो हमें एक न्यू प्लैनेट रहने के लिए चूज करना होगा, तो सैटर्न चूज करो। बट व्हाट अबाउट प्लैनेट एक्स? ये प्लैनेट एक्स जैसी कोई चीज नहीं है, चुपचाप सैटर्न चूज करो। कॉलेज जाने से पहले तुम सैटर्न पिक कर लो, क्योंकि सैटर्न चूज। हाँ मम्मा, मैंने सैटर्न ही चूज किया है। ठीक है, आने के बाद हम लोग सैटर्न के लिए निकल जाएंगे। वूहू, हम सब सैटर्न जा रहे हैं। मैंने सुना वाटरमेलन मस्क ने हमारे लिए स्पेसशिप बुक कर ली है। सबने सैटर्न को चूज किया। तुमने आज की न्यूज नहीं पढ़ी? साइंटिस्ट ने प्रूव किया है ये ह्यूमंस के लिए सबसे सेफ प्लैनेट रहेगा। तो उन लोगों के साथ क्या होता है जिसने प्लैनेट एक्स चूज किया? उनका क्या, वो बैन है, कोई भी ह्यूमन उस प्लैनेट पे नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट ने बैन किया है। क्या? बट मैंने तो प्लैनेट एक्स चूज किया। इसका मतलब तुम बेवकूफ हो, क्योंकि वहां जो जाता है मरता है। शायद वहां के एलियन इंसानों की ठुड्डी खा लेते हैं। शिट, मेरे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। मैंने भी प्लैनेट एक्स चूज किया और हम दोनों सेफ हैं क्योंकि प्लैनेट एक्स। हम दोनों सेफ हैं क्योंकि प्लैनेट एक्स पे। प्लैनेट एक्स पे क्या? अरे मुझे, ये मैं कहाँ? हेलो गार्डियंस, प्लैनेट एक्स पे आपका स्वागत है। तुम कौन हो? ओ, मैं तो बता नहीं भूल गया, मैं बस एक छोटा सा नौकर हूँ इस खूबसूरत प्लैनेट एक्स का, जहाँ पे 5 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। तुम्हारे प्लैनेट पे फ्लाइंग कार्स हैं? क्योंकि ये दूसरी गैलेक्सी है, तो हम अर्थ से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड हैं। इसीलिए प्लैनेट एक्स बेस्ट प्लेस है ह्यूमंस को रहने के लिए। तो फिर सब प्लैनेट सैटर्न को क्यों चूज करते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट आपसे झूठ बोलती है। साइंटिस्ट बस ये देखना चाहते हैं कि ह्यूमंस वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है या नहीं, इसीलिए वो आपकी जान को खतरे में डाल रहा है। आखिर प्लैनेट एक्स पूरे अर्थ पे बैन क्यों है? उन्हें डर है अगर प्लैनेट एक्स पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो उनकी सिविलाइजेशन को प्रॉब्लम होगा। यार मेरी पूरी फैमिली सैटर्न पे है, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। यार प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इधर से निकलेंगे तो। आई डोंट केयर, या तो मैं अकेले जाऊंगी और तुम्हें साथ आना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे ब्लैक बॉक्स, अब ये क्या है? शायद इसके बिना हम सैटर्न पे वापस नहीं जा सकते हैं। तुम लोग इसे ढूंढ रहे हो? क्या यही है वो ब्लैक बॉक्स? हाँ ये लो, लेकिन ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम सैटर्न पे ही रह जाओगी। हाँ यहाँ पे कितनी ठंड है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। चलो मेरे पेरेंट्स को ढूंढते हैं जल्दी से। चल। सब लोग ग्राउंड पे क्यों गिरे हुए हैं? प्रगति इधर आ। मम्मी। बेटा तू यहाँ क्यों आई, यहाँ से बाहर चली जा। मम्मी मैं आपको यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा आधा शरीर फ्रीज हो गया है बेटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मम्मी, मेरे पास ये प्लैनेट एक्स का बॉक्स है, इससे मैं किसी भी कंट्री में जा सकती हूँ। वही रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। हमें ये ब्लैक बॉक्स चाहिए, इस प्लैनेट पे सिर्फ तुम ही सर्वाइव कर सकती हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं यहाँ पे तभी रहूंगी जब मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सही सलामत प्लैनेट एक्स पे जाएंगे। लेकिन तुम्हें यहाँ अकेला रहना होगा। डील। नहीं बेटा ऐसा मत कर, तू चली जाए यहाँ से। आप मेरी जगह रहते तो क्या करते, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बचाते या खुद बचते?